फोक्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा गोवन क्लासिक का रिव्यू, और इस वीडियो में आप लोग देखोगे क्लासिक 350 और गोवन क्लासिक 350 का कंपैरिजन। इस वीडियो में हम लोग फीचर करेंगे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट एंड से। हेडलाइट सस्पेंशन और सामने का मडगार्ड अगर गौर से देखेंगे तो इट्स सिमिलर, देर इज़ नो सच चेंज इन दोज थिंग्स। क्लासिक 350 के DRL जो है ये LED में आते हैं और इंडिकेटर जो है ये हॉलोजन में आते हैं, जबकि गोवन क्लासिक 350 के DRLs LED और इंडिकेटर्स भी है जो LED में है। देर इज़ नो सच चेंज इन दी हेडलाइट सस्पेंशन एंड दी मडगार्ड, बट द बिगेस्ट चेंज हियर इज दी क्रॉस स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स इन दी गोवन 350 एंड देयर इज स्पोक व्हील्स नॉन ट्यूबलेस इन दी क्लासिक 350। क्रॉस स्पोक व्हील्स होने के वजह से गोवन 350 जो है ये ट्यूबलेस हो जाती है। दोनों टायर C8 की तरफ से आ रहे हैं, बट ग्रिप में जो है चेंज है दोनों की, एज यू कैन सी। और क्लासिक में आपको मिलेगा 190-19 टायर ट्यूब के साथ, वही गोवन क्लासिक में आपको मिलेगा 190 और 19 टायर। टायर का जो साइज़ है दोनों मोटरसाइकिल का ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस इज गोवन हैज़ दी ट्यूबलेस, क्लासिक इज़ दी ट्यूब वन। क्लासिक 350 में आपको रेगुलर हैंडल बार मिलता है, जबकि गोवन क्लासिक 350 में आपको थोड़ा सा अपराइट एप शेप्ड हैंडल बार मिलता है। एप स्टाइल यू शेप हैंडल बार क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊंचा और ये जो स्टाइल होता है इसे एप स्टाइल बोलते हैं, और दिस वन इज़ द रेगुलर वन। बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है ये हैंडल बार में समझ में आ रहा है, जो स्टाइल है मोटरसाइकिल का वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। दोनों मोटरसाइकिल के फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक्स आते हैं ये बाइबर की तरफ से आते हैं। दोनों का साइज 300 mm है, और दोनों मोटरसाइकिल में ABS जो है ये ड्यूअल चैनल में स्टैंडर्ड आता है, विच इज़ नॉन स्विचेबल। गोवन क्लासिक 350 के ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर्स जो है ये एडजस्टेबल में आते हैं बाइबर की तरफ से, यू कैन सी द लोगो हियर। और क्लच लीवर भी है इस मोटरसाइकिल का एडजस्टेबल आता है, जिसपे RE का लोगो है, जबकि क्लासिक 350 पर दोनों नॉन एडजस्टेबल में आते हैं। गोवन क्लासिक 350 पर एनालॉग मीटर और बेसिक इंडिकेटर्स, उसी के साथ साथ ट्रिप्स आपको मिल जाते हैं, और ये जो ट्रिपर डैश है ये स्टैंडर्ड है अभी के लिए, जहाँ की क्लासिक 350 पर आपको वही सेम एनालॉग मीटर मिलता है विद अ ट्रिप मीटर, और जो ट्रिपर डैश है वो इस मोटरसाइकिल पर स्टैंडर्ड नहीं है। हैंडल बार के टी क्लैंप में भी थोड़े से चेंजेस है, ये सिल्वर कलर में प्लेन में आता है, जबकि गोवन पर रॉयल इनफील्ड के बैजिंग के साथ हल्का सा शाइनी मैट फिनिश में आपको मिल जाएगा। क्लासिक 350 का जो फ्यूल टैंक है ये पीनट शेप में 13 लीटर्स के कैपेसिटी के साथ आता है, वहीं पर गोवन क्लासिक 350 पर भी पीनट शेप में 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। देर इज़ नो सच चेंज इन द फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली तो फिनिश जो है इस मोटरसाइकिल का हल्का सा स्पार्कलिंग है गोवन क्लासिक 350 का, और जहाँ की क्लासिक 350 का जो है ये थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक में आता है, इसमें स्पार्कलिंग यूज़ नहीं किया गया है। क्लासिक 350 का ये जो जोधपुर ब्लू कलर है, इसमें हेड की पैकिंग और साइड के पैनल्स जो है इंजन कवर्स ये पॉलिश में आते हैं, और हेड जो है ये पूरा सिल्वर कलर में आता है ट्रिप टील कलर में। हेड और जो इंजन की फिनिश है ये पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक कलर में मिलती है, और जो हेड है ये सिल्वर कलर में आता है। गोवन क्लासिक 350 पर फुटपैक का जो पोजिशन है ये थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया गया है। ठीक से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑयल फिल्टर के नीचे वाले हिस्से में फुटपैक का पोजीशन आ रहा है गोवन क्लासिक पर, और वहीं पर रॉयल इनफील्ड नाम के नीचे क्लासिक 350 का फुटपैक का पोजीशन आ रहा है, ये थोड़ा सा नीज के नीचे आता है, और जबकि गोवन क्लासिक का थोड़ा सा नीज से फॉरवर्ड आता है। अगर आप ब्रेक लीवर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो गोवन क्लासिक 350 पर एक रबर का पैडिंग आ रहा है इन माई ओपिनियन, विच इज़ नॉट रिमूवेबल। वहीं पर क्लासिक 350 पर ये एक सस्ता टिकाऊ कॉस्ट सेविंग लीवर मिल जाता है। दोनों मोटरसाइकिल के फ्रंट के फुटपैक में आपको कोई भी चेंज दिखने को नहीं मिलेगा, जबकि रियर का फुटपैक भी सेम ही है। गियर लीवर और फुटपैक का पोजीशन क्लासिक 350 में सेंटर में है इंजन के, जबकि गोवन क्लासिक 350 में थोड़ा सा आगे है। EFI मॉड्यूल कवर और बैटरी पैनल्स जो है ये दोनों का शेप एग्जैक्टली सेम है,
दोनों मोटरसाइकिल्स अभी लगी है सेंटर स्टैंड के ऊपर, और यू कैन सी दिस इज अ स्कूप सीट बॉबर स्टाइल में, और दिस इज अ रेगुलर सीट पुरानी क्लासिक में। इससे पहले वाले जनरेशन में यहाँ पर सस्पेंशन वाले छोटे छोटे स्प्रिंग्स आते थे, वो भी रिमूव कर दिए। नाउ दिस सीट इज़ नॉन मूवेबल एंड दिस पिलियन सीट इज़ रिमूवेबल। इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव दिस लुक यू कैन रिमूव दैट सीट ऑफ द क्लासिक 350। बट इस पर थोड़ा सा टेल पर काम किया गया है, जैसे सारी गार्ड जो है गोवन क्लासिक 350 का छोटा दिया गया है, जहाँ की क्लासिक 350 का बड़ा आता है। दोनों मोटरसाइकिल के पिलियन सीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रियर एंड का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी डिफरेंट और इन दोनों में चेंजेस है। क्लासिक 350 का सीट का डिज़ाइन जो है ये ऑन दी मडगार्ड है, रिमूवेबल, और ये भी रिमूवेबल है बट ये अबोव दी मडगार्ड है। देयर इज दिस मच ऑफ गैप इन दी मडगार्ड एंड दी सीट। गोवन क्लासिक 350 में आपको 130/90/16 इंच का टायर मिलता है, जो वाइट वॉल टायर इसे कहा गया है, और क्रॉस स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स के साथ मिलता है। जबकि क्लासिक 350 में आपको 120/80/18 इंच का टायर मिलता है, जो कि ट्यूब वेरिएंट में आता है। रियर डिस्क ब्रेक का साइज क्लासिक 350 और गोवन क्लासिक 350 में सेम है, जो कि 270 mm आता है सिंगल पिस्टन कैलिपर फ्रॉम बाइबर। गोवन क्लासिक 350 के एग्जॉस्ट में स्लाइट चेंज है थोड़ा सा डिज़ाइन में, जिसे स्लैश कट एग्जॉस्ट कहा गया है। क्लासिक 350 में रेगुलर जो उनका पुराना वाला थंप वाला एग्जॉस्ट मिलता है बैरल जैसा। गोवन क्लासिक 350 के रियर सस्पेंशन में और क्लासिक 350 के रियर सस्पेंशन में कुछ खास चेंजेस नहीं है, बस जो कैप्स है दोनों मोटरसाइकिल के उसमें चेंजेस है। गोवन क्लासिक का जो कैप है ये ब्लैक कलर में है, और क्लासिक 350 का जो कैप है ये सिल्वर कलर में है। रियर में यू कैन सी गोवन क्लासिक 350 में टेल लाइट और इंडिकेटर्स दोनों भी जो है ये LED सेटअप में आते हैं, जबकि क्लासिक 350 में टेल लाइट्स और इंडिकेटर होलोजन में आते हैं। आप वन बाय वन करके सुनेंगे एग्जॉस्ट नोट, स्टार्ट करेंगे क्लासिक 350 से। स्लाइट चेंजेस आर देयर इन द एग्जॉस्ट नोट, बट आप उसे बेयरली नोटिस कर पाओगे। बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ की, तो सिमिलैरिटीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मोटरसाइकिल में J सीरीज़ का इंजन आता है, जो 349 cc में 20 bhp प्रोड्यूस करता है और 27 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और सिमिलैरिटीज़ में और एक चीज़ ऐड हो जाएगी, सामने के 43 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जिसका सस्पेंशन ट्रैवल 130 mm है, और चेसिस जो है ये ऑलमोस्ट दोनों मोटरसाइकिल का सेम ही है, बट द डिफरेंस इज द फ्रंट टायर जो ट्यूबलेस में आते हैं एंड रियर टायर ट्यूबलेस बट डिफरेंट साइजेस। दोनों मोटरसाइकिल में कैप कवर्स, FI का मॉड्यूल, चेसिस और जो अदर प्लेसमेंट्स होती है वायरिंग हार्नेस वगैरह की, वो एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर है। कलर्स जो है दोनों मोटरसाइकिल में बहुत ही फंकी और वाइल्ड कलर्स कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं। इट्स अ टफ चॉइस टू चूज़ फ्रॉम, दोनों मोटरसाइकिल में पॉप कलर्स आने लगे हैं। गोवन क्लासिक 350 की कलर स्कीम्स और स्टाइलिंग जो है ये थोड़ा सा फंकी और जो गोवा का कल्चर है उसे रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ की क्लासिक 350 पर जो एक रॉयल इनफील्ड का रॉयल स्टाइल है वो रिप्रेजेंट किया गया है। क्लासिक 350 का सीट हाइट 805 mm आता है ड्यू टू द शेप ऑफ द सीट, वेयर एज गोवन क्लासिक 350 का सीट हाइट 750 mm आता है। जो चेसिस के एक्सपोज पार्ट है, जैसे कि ये वाले चेसिस के पार्ट, क्लासिक 350 में ये ग्लॉस ब्लैक में आते हैं, जबकि गोवन क्लासिक 350 में हल्का सा इस पे मैट और पॉलिश वाला जो फील है वो आपको मिल जाता है, जस्ट लाइक दिस एरिया हियर। गोवन क्लासिक 350 का जो सीट हाइट है ये 750 mm आता है। अभी यहाँ पर अजय जी प्रेजेंट है, अब मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गोवन क्लासिक 350 पे जाके बैठे। 4 ft 11 in के अजय जी अब मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, और यू कैन सी द एंगल बिटवीन द हैंड्स एंड द लेग्स, जो डिफरेंस है फुटपेक के लोकेशन में ये यहाँ पर समझ में आ रहा है।
नाउ अजय जी जो है क्लासिक 350 पे बैठेंगे, देखते हैं फुट पेक का लोकेशन और हैंडल बार का पोजीशन कितना डिफरेंस आता है। देखिए फुट पेक के लोकेशन की वजह से और हैंडल बार जो नीचे होने की वजह से इसमें बॉडी लैंग्वेज में कितना डिफरेंस आ गया है। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, क्लासिक 350 का और गोवन क्लासिक 350 का वेट डिफरेंस इज 2 kg। क्लासिक 350 वेज 195 kg एंड गोवन क्लासिक 350 वेज 197 kg। क्लासिक 350 के बेस्ट वेरिएंट के एक शोरूम प्राइसेस 1,93,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि गोवन क्लासिक 350 के बेस्ट वेरिएंट के एक शोरूम प्राइसेस 2,35,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 42,000 रुपीज़। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्लासिक 350 और गोवन क्लासिक 350 में से विच वन इज़ बेटर, बोथ ऑफ देम आर बेटर, बोथ ऑफ देम आर गुड। पर्सनली अगर मेरा प्राइमरी बाइक है तो मैं क्लासिक 350 लूँगा, अगर मेरा सेकेंडरी टर्शियरी बाइक है तो मैं गोवन क्लासिक 350 के लिए ही जाऊँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द लुक। दिस इज़ अ कलेक्टेबल पीस।